नमस्कार, आप देख रहे हैं इन खबर का डिजिटल चैनल और मैं हूं रीमा पराशर। लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त पर प्रधानमंत्री का भाषण, निगाहें सबकी लगी होती हैं और ये जानने की उत्सुकता सभी में रहती है कि आखिर इस बार प्रधानमंत्री आगे आने वाले अपने 4 साल 5 साल या जो भी उनका कार्यकाल बचा है उसको लेकर क्या एजेंडा तय करने वाले हैं, देश की जनता के लिए आखिर सरकार के पिटारे में क्या है, प्रधानमंत्री के पिटारे में क्या है। ये तमाम ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको लेकर सबकी निगाहें 15 अगस्त पर प्रधानमंत्री के भाषण पर होती है और वो भाषण जब नरेंद्र मोदी को देना हो तो सिर्फ भारत की नहीं बल्कि विदेश और ख़ासकर पाकिस्तान की निगाहें भी इस बात पर लग जाती हैं कि आखिर इस बार मोदी क्या पलटवार करेंगे, क्या प्रहार करेंगे और आखिर क्या बोलेंगे। जी हाँ, इस बार 15 अगस्त पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे तो वो सिर्फ भाषण नहीं होगा क्योंकि इस बार उन्होंने जनता से सीधे जानकारी लेने के लिए, जुड़ाव महसूस करवाने के लिए और ये दिखाने के लिए कि सिर्फ भाषण शब्दों का खेल ही नहीं बल्कि आम आदमी या आम भारतवासी से जुड़ने की भी एक कवायद है और इसीलिए उन्होंने अपने जो नमो ऐप है उस पर जनता से सीधे सीधे सजेशंस मांगे थे कि वो बताएं कि आखिर किन मुद्दों को वो इस बार 15 अगस्त पर लाल किले की प्राचीर से अपने भाषण के दौरान उठाएं और किन मुद्दों को जनता चाहती है कि उनके साथ जोड़ करके देखा जाए। बहुत सारे सजेशंस आए और हमने जानने की कोशिश करी कि आखिर जनता के दिल में ऐसी क्या बातें हैं जो वो मोदी के मुंह से सीधे सुनना चाहते हैं। कुछ सजेशंस हमारे पास यहां पर हैं और जिसमें सबसे अहम और हम कहेंगे कि कैची लाइन जो आ रही है वो है दिल्ली से मोहित चौहान की, जिन्होंने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री से ये अपील की है कि 5 अगस्त का जो दिन है, 5 अगस्त की जो तारीख है उसे कश्मीर दिवस के तौर पर मनाया जाए क्योंकि उसी दिन आर्टिकल 370 पूरी तरह से खत्म हुआ था, उसका खात्मा हुआ था और इसीलिए मोहित चौहान चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से संदेश दें कि इस दिन को कश्मीर दिवस के तौर पर मनाया जाए। लेकिन उसके अलावा जो नंबर 2 पर सबसे ज़्यादा सुझाव जनता की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आए हैं वो है कि किस तरह से पर्यावरण को लेकर जो लोग नुकसान पहुंचाते हैं उनके लिए कुछ ऐसी कार्ययोजना बनाई जाए कि उनको दंडित किया जा सके, गो ग्रीन का नारा चलाया जा सके। और इसके अलावा ये भी बात बहुत सारे सुझावों में सामने आई है कि स्वच्छता मिशन जो प्रधानमंत्री ने शुरू की थी, स्वच्छता दिवस के तौर पर मनाया गया, स्वच्छता आंदोलन चलाया गया, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने घरों के आसपास ज़रूर इसको सफाई को आगे चला रहे हैं लेकिन कुछ लोगों की कारगुजारियों की वजह से ये आंदोलन का रूप नहीं ले पा रहा है। तो इसे किस तरह से सही किया जाए, कुछ लोगों ने ये भी सजेशंस दिए हैं। कुछ लोग ये चाहते हैं कि हिंदी को प्राथमिकता दी जाए, जगह जगह पर हिंदी को आगे बढ़ाया जाए और ये बात प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से अपने भाषण के दौरान बोलेंगे। तो कहीं ना कहीं जनता के बहुत सारे सुझाव हैं, सुलभ शौचालय की संख्या बढ़ाई जाए इस तरह के सुझाव आ रहे हैं, पीने का पानी स्वच्छ किस तरह से आम आदमी को मिल पाए इस तरह के सुझाव आ रहे हैं। तो ये तमाम ऐसी बातें हैं जो इस बार प्रधानमंत्री के पास लंबी एक लिस्ट के तौर पर पहुंच गई हैं। अब देखने वाली बात होगी कि प्रधानमंत्री इन सब में से किसको अपने भाषण का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन जो बात तय मानी जा रही है वो ये है कि इस बार नरेंद्र मोदी के भाषण के दौरान जिस बात का जिक्र सबसे ज़्यादा दिखाई देगा वो है कश्मीरियों का दुख, जो कि कम किया गया, जो कि दूर किया गया आर्टिकल 370 को हटाने के बाद किस तरह से माहौल खुशनुमा हुआ है, ये बात जाहिर तौर पर मानी जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाल किले से भाषण के दौरान दिखाई देगी। और इसके अलावा जो अब तक पिछले 5 सालों में अपने पहले कार्यकाल के दौरान नरेंद्र मोदी ने बोला वो था गरीबी उन्मूलन का नारा, कि किस तरह से गरीबी उन्मूलन को लेकर सरकार की कई योजनाएँ हैं और किन योजनाओं को और आगे बढ़ाया जा रहा है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो कि ऐसा माना जा रहा है कि इस बार प्रधानमंत्री के भाषण का हिस्सा होगी। लेकिन एक बात यहाँ पर जो हमने एनालिसिस की और जो हमने पुराने 4 प्रधानमंत्रियों के भाषण निकाले हैं जिसमें कि डॉक्टर मनमोहन सिंह रहे, अटल बिहारी वाजपेयी रहे, नरसिम्हा राव रहे और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी के भाषण को हमने तुलना की और उसमें ये पाया कि जिस तरह के आरोप नरेंद्र मोदी या फिर कि बीजेपी पर लगते रहे हैं कि वो राष्ट्रवादी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ती रही है, इस तरीके के नारे बीजेपी की तरफ से देते रहे हैं और यही बात शायद मोदी की तरफ से भी आएगी। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि मोदी के भाषण में सबसे कम इन बातों का जिक्र अब तक किया जाता रहा। और इसके अलावा जो बाकी के 3 प्रधानमंत्रियों की हम बात करें उनमें नंबर 2 पर अटल बिहारी वाजपेयी थे जिन्होंने इस तरह के नारे अपने भाषण में नहीं दिए बल्कि उन्होंने भी विकास का नारा दिया, गरीबों को किस तरह से आर्थिक सशक्तिकरण दिया जाए उसका नारा दिया। तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो उन आरोपों को विपक्ष के ज़रूर झुटलाती हैं नरेंद्र मोदी के भाषण से कि
मोदी सिर्फ राष्ट्रवाद की बात करते हैं और बाकी के जो विकास के नारे हैं उसको उन्होंने पीछे छोड़ दिया। तो देखने वाली बात है कि इस बार लाल किले की प्राचीर से आखिर पाकिस्तान को क्या सबक सिखाने की बात होगी और देश की जनता के लिए मोदी के पिटारे में क्या होगा। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।